नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम पाटकर। आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल टेक वर्ल्ड। दोस्तों, यह टेक की बात का लेटेस्ट एपिसोड और इस एपिसोड पर आज हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज ऐप्स के बारे में, या फिर आजकल जो खबरें चल रही है कि पबजी बैन, ये बैन, मतलब बहुत सारे ऐप्स को जो बैन किया जा रहा है उस बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि 29 जून को इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया था। इसमें से टिकटॉक, लाइकी, ये सब पॉपुलर नेम्स थे, ठीक है दोस्तों। वहीं कल सोमवार 27 जुलाई को इंडियन गवर्नमेंट ने फिर क्लोन ऐप्स को बैन कर दिया गया। क्लोन ऐप्स मतलब वही है जो टिकटॉक, लाइकी, शेयर चैट, जितने भी चाइनीज ऐप्स थे उसका जो है लाइट वर्जन था। लाइट वर्जन मतलब जो कि कम एमबी का था, कम फीचर्स थे, इसको बैन नहीं किया गया था। लेकिन ये ऐप्स भी जो लाइट वर्जन है, फिर क्लोन ऐप्स कह लीजिए, ये भी जो है यूज़र्स के डाटा को खुफिया चीनी एजेंसियों को बेच रहे थे, समझे। इस कारण दोस्तों हमारे प्राइवेसी को खतरा था, इस कारण इन ऐप्स को भी बैन कर दिया गया। जैसा कि टिकटॉक, लाइकी और अन्य ऐप पर जो आरोप लगे थे, ही इन क्लोन ऐप पर भी लगा, जिस कारण इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों अब आप इन लाइट वर्जन को अब यूज़ नहीं कर। बात करते हैं पबजी बैन की। दोस्तों ये खबर बहुत तेज़ी से फैल रहा है कि इंडिया पर पबजी बैन होने वाला है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये खबर कुछ हद तक बहुत ज़्यादा सही है, अभी पूरा कन्फर्म नहीं हुआ है कि ये बैन होगा, लेकिन ये रियल खबर है कि पबजी जो है इंडिया पर बैन होने वाला है। क्योंकि दोस्तों पबजी को, मैं आपको बता देता हूँ उसका जो कहानी क्या है। पबजी को किसने बनाया? ब्लू होल कंपनी ने बनाया, ठीक है। और उसके साथ एक और कंपनी जो कि टीसेंट गेम्स है, जिसका आपने नाम जरूर सुना होगा, उसने दोनों साझेदारी कर ली। मतलब टीसेंट गेम ने जो ब्लू होल कंपनी है उसके साथ साझेदारी कर ली। लेकिन दोस्तों जो ये टीसेंट गेम है वो ना ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर पर हमारे डाटा को, यूज़र्स के डाटा को इधर उधर बेच रही है, ठीक है। इस कारण दोस्तों ये खबर चल रही है कि पबजी इंडिया पर बैन होने वाला, है, क्योंकि इससे यूज़र्स के जो प्राइवेसी को खतरा हो सकता है, ठीक है दोस्तों। इस कारण जो है पबजी को बैन करने की जो बात है वो चल रही है, और इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी के अलावा 275 अन्य चाइनीज ऐप है उसको भी बैन करने की बात कही है। उस पर भी जाँच चल रही है, उसका भी जाँच परख हो रहा है। अगर उनमें कुछ पाया गया तो पबजी और 275 जो अन्य ऐप्स है वो भी बैन हो जाएंगे, ठीक है। अभी आया था कोई कंफर्म नहीं है कि पबजी बैन हो जाएगा, लेकिन जांच परख चल रही है। अगर ये बात सही हुई कि पबजी भी जो है यूज़र्स के डाटा को इधर उधर बेच रहा है, जिससे कि यूज़र्स के प्राइवेसी को खतरा है, तो पबजी भी ज़रूर बैन होगा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आपको जानना जरूरी था, मैंने आपको बता दिया। सो दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा होगा इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।